हम लाइन्स मॉल पहुंच चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपका भाई भी बढ़िया है। माता रानी आप सभी के लिए आज का दिन खुशियों भरा लेकर के आए। तो आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसे है, सुबह के बज चुके हैं 11 और पापा मम्मी छत पे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पापा मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं। तो अभी मैंने मम्मी को कहा कि अभी कुछ भी सुबह का नहीं खाया हुआ है, तो चाय मैं बनाता हूँ खुद। तो आए पहले चलते हैं किचन में, बनाते हैं पापा मम्मी और अपने लिए चाय, फिर चलते हैं छत पर, उनकी करवाते हैं हेल्प। उसके बाद शायद मैं मार्केट में निकलूँ, थोड़ा गाड़ी का काम है वो भी मैंने करवाना है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गया हूँ और फ्राई पैन लेते हैं, बनाते हैं चाय। अभी ये बर्तन हमने नए लिए थे लेकिन एक बार भी प्रयोग नहीं किया। जो पहले फ्राई पैन लिया था, कढ़ाई ली थी और ये कुकर है, तो इनको बहुत अभी यूज़ ही नहीं एक बार भी किया। तो फ्राई पैन लेते हैं, चाय बनाते हैं। गिर रहा है मुझे कैमरा, ना एक जगह रखना पड़ेगा, फिर बनाते हैं। अभी डालते हैं इसमें पानी। अभी चाय अचानक से पक चुकी है। मम्मी सुबह ही सब्जी बना दी थी मम्मी ने, क्योंकि ऐसा होता है कि खाना हम थोड़ा लेट ही खाते हैं, तकरीबन 12:30-1 बज जाते हैं, और पहले सुबह थोड़ा चाय और चाय के साथ कुछ भी ले लेते हैं, फिर खाना लेट खाते हैं। सो गाइस, अभी चाय बन चुकी है और चाय को कप में डालते हैं और लेकर के चलते हैं छत पर। जी, हम कप लेकर के आए थे, कूलर कप है मेलामाइन के। सो जब घर बनाया था तभी लिए थे, और इस दो कप और निकाल लेते हैं। अब लेकर आता हूँ पोनी। लो जी, पोनी भी आ गई है, इसमें डालते हैं अब चाय। अब इसमें डालते हैं हम चाय। सो भी छत पे लेकर के चलते हैं चाय को, और आप भी कीजिए हमारे साथ चाय का एंजॉय। और पापा इसमें से लगे हुए हैं घास निकालने, क्योंकि जो ये लगाया था इसमें पापा ने थोड़ा धनिया लगा दिया था, कि गांव में तो जगह है काफ़ी धनिया की, इस प्रकार आगे इसी में थोड़ा सा निकाल लिया करेंगे। और मम्मी लगी हुई है सामने कपड़े धोने, सभी काम करने। लो मम्मी चाय आ गई है, पहले चाय पी लो। आप भी कीजिए हमारे साथ चाय का इंजॉय, और बने रहिए हमारी इस वीडियो में। और वीडियो को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, सच में मीठा भी ठीक है। ज़्यादा मैं चीनी नहीं डालता चाय में, बहुत कम चाय पीता हूँ मैं। पहली बार चाय बनाई मोहित ने, बढ़िया बनाई। अच्छा, सो अभी चाय जल्दी से पी करके थोड़ा मम्मी से, मम्मी का काम करवा देते हैं, हेल्प करवा देते हैं। फिर पापा ने थोड़ा मार्केट निकलना है, थोड़े काम है, तो वो काम निपटा करके मैं मम्मी के साथ चलता हूँ।
अभी सारा काम फिनिश करके मैं नीचे आया हूँ, बहुत भूख लगी थी और मम्मी खाना बना रहे हैं। अभी खाना मैं जहाँ पर लेकर के आ गया हूँ, साथ में पापा भी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और ब्लॉग देख रहे हैं और खाना खाते हैं, फिर चलते हैं गाड़ी को लेकर के। थोड़ी गाड़ी को ठीक करवाना है, उसके बाद फिर शायद मार्केट में निकलेंगे। तो आप भी कीजिए खाने के साथ में इंजॉय और फिर चलते हैं गाड़ी को ठीक करवाने। सो गाइस, अभी हम निकलते हैं मार्केट थोड़ी गाड़ी ठीक करवाने और वहाँ चल कर के देखते हैं कितना समय लगता है। और ये तकरीबन 2 महीने के बाद अभी मैं चला रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में था और ये यहीं खड़ी रहती है और ज़्यादा इसको हम यूज़ भी नहीं करते, तो अभी गांव निकलना है। सो मैंने सोचा अभी इसको थोड़ा बहुत जो है रिपेयर करवा लेते हैं। तो सो अभी निकलते हैं हम इस गाड़ी को थोड़ा ठीक करवाने, चलिए आप भी हमारे साथ। फ्रेंड्स, अभी गाड़ी ठीक करवा रहे हैं। थोड़ी इसकी ना सेंटर लॉक की दिक्कत थी, लॉक लगता था और उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी लॉक लगने में। सो गाड़ी अभी वो ठीक कर रहे हैं, जैसे ही गाड़ी अभी ठीक होती है उसके बाद चलते हैं हम घर। सो गाइस, अभी 3 घंटे वहाँ हमें लग गए और कुछ अनजान कारीगर के पास थोड़ा फंस गए थे। छोटा सा काम था कि गाड़ी 2 महीने से पड़ी थी, इसका लॉक जाम हो चुका था और बस इसी छोटे से काम में 3 घंटे लग गए, अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। सो बाकी के काम भी और भी करने हैं, तो मैं गाड़ी लेकर के घर भी जा रहा हूँ। और घर पहुँच करके अभी दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ी चाय पीते हैं और चाय पी करके फिर निकलते हैं मार्केट में। यदि टाइम पर अभी थोड़ा फ्री हो गया तो फिर मार्केट में निकलूँगा, नहीं है तो फिर अभी मुश्किल हो जाएगा। सो आपको भी एक बात कहते हैं कि जब कभी भी कहीं ठीक करवाने जाएं गाड़ी, पहले ये देख लें वो व्यक्ति कैसा है, अनजान तो नहीं है, उसको काम करने आता है, उसके पास वर्कर कितने हैं, तभी ये काम करवाए। नहीं तो छोटे से काम को भी इतना पूरा खोल के रख दिया था, समेटने बहुत मुश्किल है। चलो जो भी हुआ ठीक है, ओके। अभी जा रहे हैं घर, घर पहुंच करके फिर आपसे करते हैं बात। फ्रेंड्स, अभी चाय पी ली है, मार्केट को निकलते हैं और आराध्या को भी वहीं से लेते हैं, थोड़ा वो भी हमारे साथ घूम लेगी। और कह रही थी, फ़ोन आया था उसका कि मामू आप आज आए नहीं, तो कल भी नहीं मैं गया था और मैंने उसको कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं मार्केट जाना है, तुम भी चलो साथ में। और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट और आप भी चलिए हमारे साथ, तो दिखाते हैं आपको मार्केट। सो गाइस, अभी पहुँच चुके हैं। राधे सॉरी, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। राधिया कहती है मुझे झूले अगर दिलाओगे तब जाऊंगी साथ में। अच्छा, नहीं तो मेरी मम्मी को ले जाओ। चलो बाय, चलते हैं बाय। अभी हम लाइन्स मॉल पहुंच चुके हैं, कुछ सामान जहां से लेना था और पता करते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी राधिया भी साथ में, मम्मी भी साथ में है, तो चलते हैं देखते हैं क्या बात बनती है। राध्या ध्यान से चलो, चलो 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 चलो। क्या बात है, चश्मा। चलो या तो कहीं मार्केट में और पता करता हूँ, नहीं तो मैं जब दिल्ली जाऊँगा दिल्ली से पता करके, और वहाँ तो मिल ही जाएगी चांदनी चौक से, वहीं से मैं ले लूँगा। तो अभी चलते हैं घर, राध्या को छोड़ते हैं। Thank you.
राधे कैसा स्वाद है, कैसा लगा बताओ? टेस्टी है भाई, पूरी खाने में ये मगन है ना। गाइस बर्गर बहुत भारी भूख लगी थी, सोचा बर्गर खा लूँ, आप भी कीजिए बर्गर का एंजॉय साथ में और खाते हैं बर्गर कर दीजिए। सो अभी दोस्तों मैं घर पहुंचा था और बैठे थे ऐसे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, मम्मी भी साथ में बैठे हैं, आज मम्मी थोड़ा थक गए थे। सो इस वीडियो को यहीं पर हम करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए दिन की नई शुरुआत में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि और मिलते हैं कल। बाय बाय।